बहुत स्वागत, आज की ताजा खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे जशपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। जन्माष्टमी मनाने से रोकने पर गांव में तनाव फैल गया। समुदाय विशेष के युवकों पर ग्रामीणों के साथ मारपीट के आरोप लगे हैं। संसदीय सचिव यूडी मिंज का नाम लेकर समाज के युवकों की गुंडागर्दी सामने आई है। जन्माष्टमी मनाने के लिए बैठक कर रहे लोगों के घर में घुसकर मारपीट भी की गई है। मामले की जानकारी मिलने पर विष्णुदेव साय पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रात में ही संसदीय सचिव का पुतला फूंका। हंगामे के बाद मारपीट करने वाले युवकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सख्त कार्रवाई का आश्वासन पुलिस की तरफ से मिला है। जन्माष्टमी मनाने से रोकने पर तनाव, और जो तनाव फैला रहे थे वो दबंगई दिखा रहे थे संसदीय सचिव यूडी मिंज की। बीजेपी को इसकी भनक लगी। विष्णुदेव साय भी मौके पर पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रात में ही संसदीय सचिव का पुतला भी फूंका। और सिमड़ा का एक मोहल्ला डूमर बहार है, वहां पर यादव समाज के लोग रहते हैं और आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। इसको मनाने के लिए कल शाम को बैठक किए मोहल्ले वाले, और वहाँ पर जो एक मकान है उसमें मनाने का तय किए। लेकिन उसी बीच में जानकारी मिली कि ईसाई समुदाय के लोग वहाँ पर आए और उनको धमकाए चमकाए कि यहाँ पर तुम लोग जन्माष्टमी नहीं मना सकते हो। इस तरह से लगातार ये जो घटना है हिंदुओं के साथ हो रहा है। यहाँ का जो क्षेत्रीय विधायक है वो भी, जो अवघड़ आश्रम है सोगड़ा का, उसके खिलाफ में भी एक अधिकारी के पदस्थापना को लेकर अपमान किया, लिखित रूप में अपमान किया। और यहाँ आज विधायक के सह पर ही, चाहे कि जो लोग गाली गलौज किए यादव समाज के लोगों को, वो स्पष्ट बोल रहे हैं कि आज हमारी सरकार है, हमारा विधायक है, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। इस तरह से कांग्रेस की सरकार में लगातार हिंदुओं को अपमानित एक समुदाय विशेष के द्वारा किया जा रहा है, जो कि बहुत ही निंदनीय है और इसको कतई हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं। तो जन्माष्टमी मनाने से रोकने पर गांव में तनाव। गांव में यादव समाज के कुछ लोग रहते हैं। श्री कृष्ण न सिर्फ उनके आराध्य, उन्हें रोके जाने के बाद पूरा यह बवाल शुरू हुआ। संसदीय सचिव के नाम से गुंडागर्दी की गई। पुलिस ने हालांकि यह आश्वासन दिया है सख्त कार्रवाई होगी, और इसके बाद हंगामा शांत हुआ है। कुछ लोग बैठक कर रहे थे कि कहां पर यह पूरा आयोजन होना है। इस बैठक में घुसकर मारपीट के आरोप लगे हैं। बड़ा आरोप, जन्माष्टमी मनाने से रोकने पर तनाव की स्थितियां बन गई। ग्रामीणों के साथ मारपीट के आरोप लगे हैं। शिकायत दर्ज की गई है, पड़ताल की जाएगी। ईसाई समुदाय के कुछ लोगों पर आरोप लगे हैं। मारपीट करने वाले युवकों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है पुलिस की तरफ से। उसके बाद यह हंगामा शांत हुआ है। बड़े हैरत की बात है, सनातन के स्वर्णकाल स्वर्ण साल में किसी को यह कहा जाए, किसी भी हिस्से में, पूरे देश के किसी हिस्से में किसी को यह कहा जाए कि वो यहां यह त्योहार नहीं मना सकता, हैरत है। जन्माष्टमी मनाने से रोका गया और विवाद बढ़ता चला गया। अब बीजेपी ने इसमें माइलेज तलाशा है। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने संसदीय सचिव का पुतला फूंका है, क्योंकि संसदीय सचिव मिंज के नाम पर गुंडागर्दी कुछ लोग कर रहे थे। जशपुर में जन्माष्टमी को लेकर विवाद, और विवाद के बाद तनाव की स्थिति।
सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक के पास हम आपको लिए चलेंगे सीधे जशपुर, और जशपुर से हम दीपक से जानेंगे कि दरअसल किस तरह से पूरा घटनाक्रम शुरू हुआ, और इस तरह के घटनाक्रम पहले भी जशपुर में आए हैं। सवाल यह है कि जन्माष्टमी मनाने से भी रोका जा सकता है इस देश में? दीपक, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जन्माष्टमी मनाने से भी रोका जाएगा? क्या कुछ अपडेट इस वक्त तक? जी बिल्कुल सर जी, जिस तरीके से जशपुर जिले में पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर स्थितियां चल रही हैं वो कहीं ना कहीं समाज के लिए बिल्कुल सही नहीं है, और जिस तरीके से जन्माष्टमी मनाने के लिए लोगों को रोका गया इसको लेकर जो है यहाँ पर काफी नाराजगी लोगों में देखने को मिल रही है। दरअसल करडेगा चौकी के डुमर बहार गांव में कुछ लोग जो है जन्माष्टमी मनाने की तैयारी कर रहे थे, इसी दौरान कुछ धर्म विशेष के लोग पहुंचे और उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमारी बाहुल्यता है और यहाँ पर तुम लोग जन्माष्टमी का पर्व नहीं मना सकते, और इस बात का जब उन लोगों ने विरोध किया तो उनके साथ घर में घुसकर मारपीट की गई और उन्हीं लोगों पर जो है उल्टे थाने में शिकायत कर दी गई, जिस पर पुलिस जो है मामला दर्ज करने की तैयारी कर रही थी और विभिन्न धाराओं के तहत जो है पीड़ित पक्ष के ऊपर ही यहाँ पर मामला दर्ज करने का आरोप जो है स्थानीय लोगों ने लगाया है। लेकिन जिस मामले की जानकारी भाजपा नेताओं को मिली, भाजपा के राष्ट्रीय समिति के सदस्य विष्णुदेव साय, भाजपा जिलाध्यक्ष समेत तमाम भाजपा के नेता देर रात जो है करडेगा चौकी पहुंचे और वहां पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया, और यहां पर जो भाजपा नेता विष्णुदेव साय हैं उनका आरोप है कि क्षेत्र के जो विधायक हैं, संसदीय सचिव हैं, यूडी मिंच, उनका नाम लेकर यहां पर जो है कुछ धर्म विशेष के लोगों के द्वारा गुंडागर्दी की गई और उन्हीं की सह पर जो है इस तरह के यहां पर लोगों में हौसले हैं, ये भाजपा नेताओं का आरोप है। और इसी बात को लेकर वहां पर देर रात जो है जमकर हंगामा हुआ, संसदीय सचिव यूडी मिंच का पुतला फूंका गया और जमकर नारेबाजी की गई, और भाजपा नेताओं को विरोध को देखते हुए पुलिस ने जो है कल जो जन्माष्टमी मनाने से रोकने वाले युवकों के खिलाफ कार्रवाई यहां पर शुरू कर दी है और आधा दर्जन से अधिक युवकों के खिलाफ FIR करने की तैयारी की जा रही है। वहीं इस घटना के बाद लगातार जो है गुस्सा बढ़ता जा रहा है लोगों का, और जो क्षेत्रीय विधायक हैं कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं, क्योंकि इससे पहले भी सर्वेश्वरी आश्रम समूह के विवाद में उनका नाम आया था और इसके बाद इस तरीके से जन्माष्टमी मनाने के दौरान रोकने पर भी उनका नाम कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों के द्वारा और धर्म विशेष के लोगों के द्वारा लिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं विधायक की भी मुश्किलें यहां पर बढ़ती नजर आ रही हैं। विधायक की मुश्किलें बढ़ती आ रही हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है दीपक, कि सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर और दिसंबर, इस बीच बहुत सारे त्योहार आते हैं, अगर इसका रिएक्शन नजर आएगा तब कौन जिम्मेदार माना जाएगा? क्योंकि घटना अगर होगी तो रिएक्शन भी होगा। जी जी बिल्कुल, क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर नजर आती है और आने वाले दिनों में कुछ ऐसा ही नजारा जशपुर में देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से यहां पर जो है मतलब धर्म का नाम लेकर जो है समाज में विद्वेषता फैलाने की कोशिशें की जा रही है, और जो आगामी चुनाव है कहीं ना कहीं इस पर भी इसका बड़ा नजर असर जो है वो नजर आने को है, क्योंकि लगातार जिस तरीके इस तरह की घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर जो है समाज के हर वर्ग में जो है यहाँ नाराजगी देखने को मिल रही है, और जिस तरीके से बीती रात वहां पर थाने में जमकर हंगामा हुआ और इससे पहले भी जो सर्वेश्वरी आश्रम के समूह के बात को लेकर जिस तरीके से विवाद हुआ, लगभग एक सप्ताह तक यहां पर विरोध प्रदर्शनों का दौर चला, कहीं ना कहीं आने वाले समय जो है वो काफी मुश्किलों भरा है और कुछ लोगों के लिए ये समय जो है काफी मुसीबत भरा भी हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से समाज में इस तरह की बातें सामने आ रही हैं इसको लेकर समाज के जो प्रबुद्ध वर्ग है उनका कहना है कि ये बेहद ही गलत है और समाज को तोड़ने की कोशिश इस तरीके की नहीं होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी दीपक विस्तार से जानकारी दे रहे थे। धार का रुख करेंगे। धार से बड़ी खबर, पिता ने दो बच्चों समेत जहर खा लिया, दोनों बच्चों के इलाज के दौरान मौत हो गई। पति पत्नी के बीच विवाद था, विवाद इतना बढ़ा कि पिता ने बच्चों के साथ जहर खा लिया। ढोर मारिया गांव की पूरी घटना है। पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। पति पत्नी का पारिवारिक विवाद और सजा बच्चों को भुगतनी पड़ी। पिता ने दो बच्चों समेत जहर खाया, दोनों बच्चों की इलाज के दौरान मौत हो गई। सहयोगी नवीन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, पूरा घटनाक्रम। जी हाँ, ये बड़ी दिल दहला देने वाली घटना जो है सामने आई है। ये नालसा थाना के ग्राम ढोर मारिया की बताई जा रही है। इसमें मूल बात जो है ये निकल कर आ रही है कि पति पत्नी का विवाद चल रहा था और इस विवाद के बाद में पत्नी जो है अपने मायके में थी और पति जो है अपने दो बच्चों के साथ में उसके घर पे रह रहा था। जो पति जो है
अपने ससुराल पहुंचा और यहाँ पर जो है पति पत्नी के बीच में फिर से विवाद हुआ, और जिसके बाद में पति ने जो ऐसा खोफना कदम उठाया, दो बच्चों को जहर दिया और खुद भी उसने जहर पी लिया, जिसके बाद में इलाज के दौरान जो है दो बच्चों की मौत हुई है और अभी पति का जो है इलाज इंदौर में किया जा रहा है, और जहाँ उसकी हालत जो है अभी ठीक है, और ये पूरा मामला इस प्रकार का सामने आया है, और वहीं इस पूरे मामले में जो है नालसा थाना पुलिस जो है वो जांच में भी जुटी हुई है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नवीन इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी नवीन विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। दुर्ग से बड़ा अपडेट आपको बता दें, शिवनाथ नदी कार हादसा मामला, नदी में डूबी बच्ची की तलाश लगातार जारी है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम तलाश कर रही है, 30 घंटे का वक्त बीत चुका है लेकिन अब तक बच्ची की कोई जानकारी नहीं है। चार लोगों की लाश यहां से बरामद हुई है। कल और परसों की दरमियानी रात का यह पूरा घटनाक्रम जो हम लगातार आपको बता रहे थे, और अब बड़ा अपडेट इसमें यह कि एक बच्ची जो नदी में डूबी है इसकी तलाश जारी है। एसडीआरएफ की टीम लगातार तलाश कर रही है, तकरीबन 30 घंटे होने को हैं, अब तक बच्ची का कोई सुराग नहीं। हादसे के कुछ देर पहले की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं, यही गाड़ी हादसे का शिकार हुई है जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, काले कलर की गाड़ी। ये पूरा परिवार था, चार लोगों की लाश बरामद हुई है लेकिन एक बच्ची वो अभी भी लापता है, तलाश की जा रही है। 30 घंटे होने को आए हैं ये पूरा परिवार, इसने एक जगह खाना खाया, ढाबे में खाना खाया और उसके बाद ये परिवार आगे के लिए निकल गया और उसी वक्त ये हादसा हुआ था। ये जो बच्ची आपको नजर आ रही है, कुछ देर बाद हुए हादसे के बाद से लापता है और इसकी तलाश की जा रही है, अब तक कोई कामयाबी नहीं। एसडीआरएफ की टीम लगातार कर रही है, तकरीबन 30 घंटे होने को हैं लेकिन जानकारी नहीं। और अगली खबर भी शिवनाथ नदी से जुड़ी हुई, दुर्ग से बड़ी खबर, नदी में कूदकर युवक ने जान दे दी। शिवनाथ नदी के पुराने पुल की यह घटना है, पुल के पास युवक की बाइक मिली है, एसडीआरएफ युवक की तलाश कर रही है। पुलगांव थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला, खबर दुर्ग से, बच्चों का मामूली विवाद और इसमें महिला की हत्या हो गई, 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, आरोपियों में 2 महिला और 1 युवक शामिल है। दुर्ग के भिलाई 3 क्षेत्र की घटना है, पूरी पड़ताल इस मामले की पुलिस अभी कर रही है। बच्चों का मामूली विवाद, इसमें एक महिला की हत्या हो गई, 3 आरोपी इसमें गिरफ्तार किए गए हैं, 2 इसमें महिलाएं हैं और 1 युवक शामिल है। दुर्ग के भिलाई 3 क्षेत्र की घटना, और अब रायपुर से एक अहम खबर की बात करेंगे। सीजीपीएससी 2022 के नतीजे जारी हो गए हैं, रायगढ़ की सारिका मित्तल ने टॉप किया है, शुभम देव ने दूसरा स्थान हासिल किया है, श्रेयांश पटेरिया तीसरे नंबर पर रहे, शिक्षा शर्मा को चौथा नंबर मिला है, शुभांगी गुप्ता 5वें नंबर पर रही। रायपुर से ये महत्वपूर्ण खबर, छत्तीसगढ़ पीएससी 2022 इसके नतीजे, रायगढ़ की सारिका मित्तल ने टॉप, शुभम देव दूसरे नंबर पर, श्रेयांश पटेरिया तीसरे नंबर पर, शिक्षा शर्मा चौथे नंबर पर, शुभांगी गुप्ता 5वें नंबर पर। छत्तीसगढ़ में फिर एक बेटी हवस का शिकार बनी, रक्षाबंधन के दिन राजधानी रायपुर में 2 बहनों के साथ गैंगरेप, अब जशपुर में दरिंदों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया, हत्या लूट चाकूबाजी ये तो मानो आम घटना हो गई है, अब अपराधी और बेखौफ नजर आना है, कानून की धज्जियां उड़ रही हैं। इस घटना ने कानून के राज की बात करने वाले सरकार और सिस्टम दोनों पर सवाल खड़े किए हैं। छत्तीसगढ़ एक बार फिर से शर्मसार हुआ, फिर एक बेटी हवस का शिकार बनी, कानून व्यवस्था के दावों की एक बार फिर से पोल खुली, सरकार और सिस्टम पर फिर से सवाल उठे,
क्या छत्तीसगढ़ में है जंगल राज। रायपुर के बाद अब जशपुर दरिंदगी से दहल गया। जशपुर में आदिवासी युवती से गैंगरेप हुआ। दनगरी वाटरफॉल में दो हैवानों ने युवती के साथ दरिंदगी की। बताया जा रहा है कि सद्दाम खान और इम्तियाज अंसारी नाम के आरोपी आदिवासी युवती को वाटरफॉल घुमाने के बहाने ले गए, जहां उन्होंने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। आरोपी बलरामपुर जिले के रहने वाले हैं। पीड़िता ने थाने में मामला दर्ज कराया और पुलिस आरोपियों की तलाश की बात कह रही है। पीड़िता के द्वारा बगीचा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और उसमें पुलिस ने तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और हमारी दो टीमें जो हैं आरोपियों की पता तलाश में लगी हुई हैं और शीघ्र ही हम जो है आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस अभी तक दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया है। ये चिंताजनक है, बहुत गंभीर मामला है और इस पर तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। पुलिस से मैं आग्रह करता हूँ कि तत्काल दोषियों के खिलाफ गिरफ्तार करके कार्रवाई करें। इस घटना ने एक बार फिर से प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी ने सरकार पर हमला बोला। विधायक रंजना साहू का बयान सरकार पर बेटियों की सुरक्षा न कर पाने का आरोप भी है। इतना ही नहीं, इन्होंने एक और आरोप लगाया जो इस मामले को और गंभीर बनाता है। रंजना साहू ने आरोपियों को कांग्रेस का नेता बताया है। इस प्रदेश में भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार कान में रुई डालकर बैठी है, आंख में पट्टी बांध कर बैठी है। छत्तीसगढ़ महतारी की बेटियों के साथ रोज कोई न कोई ऐसी घटना हो रही है जो प्रदेश को शर्मसार कर देने वाली है, छत्तीसगढ़ महतारी को शर्मसार कर देने वाली है। एन शिक्षक दिवस के दिन सरगुजा में आदिवासी शिक्षिका महिला के साथ दुष्कर्म हुआ और इसका आरोपी कांग्रेस का युवा नेता। सरकार मुंह बंद कर बैठी है। भूपेश बघेल जी विषय में एक शब्द नहीं कह रहे हैं। सरकार की जिम्मेदारी, सरकार की प्राथमिकता यहाँ की बेटियां हैं, छत्तीसगढ़ की बेटियां हैं, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के मामले में छत्तीसगढ़ सरकार फिसड्डी निकली। इस सरकार को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि वह यहाँ के प्रदेश की बेटियों की रक्षा करने में असमर्थ है, यह कांग्रेस की सरकार। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और जैसा कि रंजना साहू आरोप लगा रही है, आरोपी अगर कांग्रेस के नेता हैं तो सवाल सरकार के साथ ही मोहब्बत की दुकान की बात करने वाली पार्टी पर भी उठते ही हैं। प्रदेश में इस तरह की पहली घटना नहीं। हाल ही में रायपुर में दो युवतियों से गैंगरेप का मामला सामने आया था। रक्षाबंधन मनाने के बाद महासमुंद लौट रही युवतियों के साथ दरिंदों ने हैवानियत की वारदात की थी। घटना सामने आने के बाद हड़कंप मचा था और पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था। चाकूबाजी सरेआम हो रहा है और अपराधी जो है अपराध करके पुलिस की पकड़ से बाहर हो रहा है। जब पुलिस वालों से हमारी बातचीत होती है, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से, तो वो कहते हैं कि हम विवश, हम मजबूर हैं। तो जब रायपुर के बाद जशपुर में गैंगरेप की वारदात प्रदेश में कानून के राज की बात कहने वाली सरकार के दावों की पोल खोल रही है। चाकूबाजी, हत्या, लूट जैसी वारदातें छत्तीसगढ़ में आम हो चली हैं और अब अपराधियों के हौसले और भी बुलंद होते नजर आ रहे हैं। जशपुर से दीपक सिंह और रायपुर से आकाश शुक्ला की रिपोर्ट। और अब नर्मदापुरम से बड़ी खबर आपको बता दें, कॉस्मेटिक शॉप में आग लगी है। आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। आग लगने से दुकान में रखा सामान जलकर खाक हो गया है। दमकलों को तत्काल इत्तला दी गई, दमकलों ने आग पर काबू पा लिया है। जिला अस्पताल के ठीक सामने की यह घटना है। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। कॉस्मेटिक की शॉप में आग लगी और देखते ही देखते पूरी दुकान को इसने अपनी चपेट में ले लिया। सारा सामान जलकर राख हो गया। ज्यादातर सामान केमिकल से बना हुआ, इस वजह से आग और तेजी से फैलती चली गई। दमकलें पहुंची, आग पर काबू पाया गया। अब तक आग लगने की वजह साफ नहीं है, लेकिन दुकान में रखा लगभग सारा सामान जलकर खाक हो चुका है। जिला अस्पताल के सामने की पूरी घटना है।
रायसेन से बड़ी खबर, विधायक पुत्र और बीजेपी नेता में झड़प, वायरल मैसेज के बाद यह विवाद हुआ। कवि सम्मेलन के दौरान मंच पर दोनों नेता भिड़ गए। उदयपुरा विधानसभा से कांग्रेस के विधायक देवेंद्र पटेल के बीजेपी ज्वाइन करने का मैसेज वायरल हुआ था। विधायक पुत्र स्पष्टीकरण देने के लिए मंच पर पहुंचे थे और विवाद बढ़ता चला गया। बरेली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला, वायरल मैसेज के बाद विवाद और अब विवाद भी वायरल हो रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, खबरें जारी।